हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जेबीटी टीचर्स जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन अभी तक उनको उनके नए ज़िलों में विद्यालय अलॉट नहीं किए जा सके हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो भी इंटर डिस्ट्रिक्ट जेबीटी ट्रांसफ़र हुए थे, उनके जो ट्रांसफ़र के ऑर्डर थे वो पहले 23 अगस्त 2019 को जारी किए गए थे। फिर उन पर रोक लगा दी गई थी। फिर उसके ट्रांसफ़र के ऑर्डर दोबारा से 15 नवंबर 2020 को जारी किए गए थे, लेकिन उन पर भी हाईकोर्ट द्वारा स्टे दे दिया गया था। तो अभी आज 20 अप्रैल 2021 को डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा इन्हीं 2544 जीवीटी टीचर्स के संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी 2544 जेबीटी टीचर्स को पुराने जिलों से रिलीव कर दिया जाए ताकि वे नए जिलों में कार्य ग्रहण कर सकें। इसी के संबंध में ये बात भी कही गई है कि नए जिलों में जो भी जेबीटी टीचर्स की पोस्ट पर गेस्ट टीचर्स और एडहॉक टीचर्स कार्य कर रहे हैं, उनकी पोस्ट को वैकेंट मानते हुए ये सारी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो भी हरियाणा के सभी जिलों में जो जेबीटी टीचर्स की पोस्ट पर गेस्ट टीचर्स एंड एडहॉक टीचर कार्य कर रहे हैं, उनकी पोस्ट को खाली मानते हुए ये इंटर डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही साथ आईटी सेल को भी ये निर्देश दे दिया गया है कि आज 20 अप्रैल 2021 से लेकर 23 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि तक इन सभी 2544 जेबीटी टीचर से उनकी पसंद के स्टेशंस की प्रेफरेंस मांग ली जाए। और इस संबंध में जो आईटी सेल है उस द्वारा एक लिंक भी अभी जारी कर दिया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं। ये वो लिंक है जिसके माध्यम से सभी 2544 जेबीटी टीचर्स को अपनी चॉइस के जो स्कूल्स हैं वो फिल करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आप सबसे पहले ऊपर लिंक देख रहे हैं, लिंक टू व्यू स्टेशंस। इस लिंक पर क्लिक करके आप जो नए जिलों के अंदर कितनी वैकेंसी किस स्कूल के अंदर खाली हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका एक लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसकी लिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे देख रहे हो कि लास्ट डेट एंड टाइम टू फिल प्रेफरेंस यहां पर लिखा हुआ है, जो कि 23 अप्रैल 2021 की मध्यरात्रि मतलब रात के 12 बजे तक है। इसके बाद आपको कोई और मौका ट्रांसफ़र की प्रेफरेंस भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जो प्रेफरेंस है उन्हें फिल कर लेंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लास्ट टाइम में जो वेबसाइट है उस पर इतना ट्रैफिक हो जाता है कि साइट ही क्रैश कर जाती है और वो फिर काम नहीं करती है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी जो प्रेफरेंस है उन्हें फिल कर लें ताकि आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना आए। तो आप देखते हैं यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक कॉलम दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी का। एम्प्लॉय आईडी के सामने एक बॉक्स बना हुआ है, आपको यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद आपको एंटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी एम्प्लॉय आईडी डालकर एंटर पर क्लिक करेंगे, नीचे के जो कॉलम्स वेरीफाई पर्सनल डिटेल ऑफ कैंडिडेट इसके नीचे जो आ रहे हैं, यहाँ इसके सामने इसमें आपकी डिटेल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी, आपका लिस्ट का कोड, आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और जो आपको नया डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो आपके नाम सहित यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। इसे शो होने के बाद अपनी जो पर्सनल डिटेल है उनको आप वेरीफाई कर लेंगे। तो यहां से आप अपनी जो ट्रांसफर की प्रेफरेंस है उसे भरने के लिए आप अपनी यहाँ पर पर्सनल डिटेल को वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी पर्सनल डिटेल सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक बॉक्स दिख रहा है, उसके सामने आपको यस एंड रीसेट का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपकी पर्सनल डिटेल सही है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जो ग्रीन कलर के जो एक बॉक्स बना हुआ है, क्लिक हेयर टू सेव योर प्रेफरेंस, आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको जो आपकी प्रेफरेंस भरने का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर नीचे शो होगा। अगर इन केस आपकी डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल यहां पर हैं वो गलत हैं,
जो आपने एम्प्लॉय आईडी जो ऊपर डाली है वो कल अगर किसी और की डाल दी है तो आप यहाँ पर नीचे रीसेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से आप अपनी एम्प्लॉय आईडी जो सही है वो ऊपर आप डालकर एंटर पर क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक करने के बाद डिक्लेरेशन के सामने यस पर क्लिक करके क्लिक हियर टू सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और वहां से आप अपनी जो नए विद्यालय की जो प्रेफरेंस है 1, 2, 3 करके जो भी आपको डालने हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो नए जिलों के अंदर जो वैकेंसी पोजीशन है किस विद्यालय में कितनी वैकेंट पोजीशन है उसकी लिस्ट भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ इस प्रेफरेंस फिल करने के लिए जो लिंक विभाग द्वारा जारी किया गया है इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी अपने प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी जो ट्रांसफर की प्रेफरेंस है वो भरनी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हुए जेबीटी टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपने जो ट्रांसफर की प्रेफरेंस है उसे भरने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो के जरिए आपकी कोई थोड़ी सी भी मदद हुई है तो आप वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के संबंध में जो भी और आगे जानकारी हम तक आएंगी हम उनको आप वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करने के साथ उसके साइड में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें और आप जल्दी से जल्दी जो भी जानकारी है उन तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं, थैंक यू।